इसकी सुनो, इसकी समस्या सुनो, देखो कहाँ आया बीच में गुस्सा, सारा ट्रैफिक बड़ा वाला, छोटी छोटी गाड़ियाँ निकाल रहे हैं पर ये मान नहीं रहे। देखो ब्लास्टिंग तो इसमें ज़्यादा, एक एक मीटर के होल लगे हुए हैं, तो आप कंट्रोल ब्लास्टिंग करके इसमें ऊपर से मैट रख रहे हैं। अभी आप सामने देख रहे हो, मैट नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज ये आप देख रहे हैं, कल की वीडियो में मैंने दिखाया था आपको, मैं GSB का पूरा बेड बना के गया था और रात में इसमें पाइप की लेइंग हो गई पूरी कंप्लीट, ये देख रहे हैं। और एक साइड की वॉल की शटरिंग करके इसकी वॉल भी भरना स्टार्ट कर दी हम लोगों ने। आप देख रहे हैं सामने मिलर है, मिलर से आप एक्सकैवेटर से हम कॉन्क्रीट ले लेके डालते जा रहे हैं और बाकी के जितने पाइप और लगने वो भी सारे आ गए हैं। बाकी पाइप भी, अभी पाइप की कोई दिक्कत नहीं, पाइप सारे पहुँच गए यहाँ पर। और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप समझ में पूछ रहे हैं कि मेन ब्रिज है ये क्या है, टेम्प्रेरी रास्ता है क्या है, तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ आपको। दोस्तों ये जो रास्ता है ना, ये जो पाइप कलवट बना रहा है, ये एक टेम्प्रेरी रास्ता बन रहा है अभी। ये जो ब्रिज है इसके टूट जाने के कारण अभी की कंडीशन में ट्रैफिक मूव करने के लिए हम लोग ये रास्ता बना रहे हैं। इसमें एक छोटा सा पाइप कलवट बना रहा है 176 पाइप का, दो स्टेज में बन रहा है। और ये जो रास्ता है ये आप देख रहे हैं सामने, इस रास्ते के लिए हम ये पाइप कलवट बना रहे हैं। इससे आपका ट्रैफिक बाहर के बाहर मूव होता रहेगा। और जो दूसरा ब्रिज जो मेन हाईवे का बनने वाला है वो बनने वाला है यहाँ पे, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आप DBM के दोनों 4 लेन आप बने हुआ दिख रहे हैं, मैं DBM मैंने कर दिया था और इसी के सामने यहाँ पे बनेगा ये ब्रिज। अब इसके लिए जो ये आपका पहला जो गड्ढा खुदा हुआ देख रहे हैं, ये इसका पहला अवर्डमेंट रहेगा, जहाँ एक्सकैवेटर चल रही है वहाँ दूसरा एक पियर रहेगा और थर्ड पियर जहाँ पर ये मैट वगैरह अगर अभी एक्सकैवेटर रख रही वो रहेगा, और जो इसका फोर्थ जो अवर्डमेंट रहेगा वो वहाँ पर रहेगा A2O लास्ट में आप देख रहे हैं वो रहेगा। ये इसका RHS वाला पोर्शन है, इस पर दो ब्रिज बनेंगे क्योंकि ये 4 लेन है। दूसरा ब्रिज बनेगा ये जहाँ पे अभी ये ट्रैफिक चल रहा है वहाँ पे, इसका दूसरा ब्रिज इस जगह पे बनेगा जहाँ पे भी ट्रैफिक मूव हो रहा है वो जगह पे। अभी इसको हम लोग नहीं खोद रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी ट्रैफिक मूव हो रहा है। जब रास्ता ये वाला हमारा पाइप कलवट वाला चालू हो जाएगा उसके बाद हम इसको खोद के फिर यहाँ पर हम दूसरे वाले ब्रिज की भी, जो LHS वाला ब्रिज रहेगा उसका भी हम एक्सकैवेशन स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे जो ये जो ब्रिज बनेगा जिसका LHS का पोर्शन है, उसकी हाइट जो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने अभी ड्राइंग पढ़ी थी उसकी हाइट लगभग, ये जो ब्रिज है पुराना वाला, इससे लगभग 1 से 1.5 मीटर ऊंचा रहेगा वो ब्रिज और इससे। और यहाँ पे ये 51 मीटर का ब्रिज रहेगा, 17-17 मीटर के 3 स्पान रहेंगे, 2 पियर रहेंगे, 2 अबटमेंट रहेंगे और 17-17 मीटर के 3 स्पान रहेंगे इसमें। भाई देख लो यहाँ पे एक कॉन्क्रीट, जो अपने पाइप पाइप तो अपने रात को सेट कर दिए थे, अभी इसका वॉल की सेटिंग लगा के इसकी कंक्रीट भी करते जा रहे हैं, फटाफट करते जा रहे हैं विदाउट टाइम लगाते हुए। अभी ये करेंगे, इसके बाद ये दूसरी साइड का भी पाइप लिंक कंटिन्यू करेंगे। अभी हाइड्रा आने वाला, पहुंचने वाला थोड़ी देर से, तो बाकी के पाइप डाल के दूसरी वाली हमको रात को वॉल भरनी है, किसी भी एनी हाउ भरनी है हमको, क्योंकि सुबह सेटिंग खोल के फिर इसके अंदर GSB भरनी है। आगे आगे सेटिंग लगाते जा रहे हैं और हम कॉन्क्रीट करते जा रहे हैं। ये चल रहा है आपके सामने कंक्रीट, बड़ा प्रॉब्लम वाला लोचा हो रहा है। देखो ट्रैफिक रोक रोक ने फिर भी मानते नहीं लोग, देख लो हाथ देने के बावजूद भी नहीं रुक रहा भाई साहब। देखो आज ट्रैफिक वाले बड़े परेशान कर रहे हैं यार, देख लो टैंकर वाला कहाँ आ रहा है, कहाँ रहा वो टैंकर वाला। देखो टैंकर वाला, इसकी सुनो, इसकी समस्या सुनो, देखो कहाँ आया बीच में गुस्सा, सारा ट्रैफिक बड़ा वाला, छोटी छोटी गाड़ियाँ निकाल रहे हैं पर ये मान नहीं रहे। देखो दोस्तों यहाँ पे चल रही अपनी वॉल की कंक्रीट, अपन ने कल रात को इसमें पाइप लेइंग कर दिए थे कंप्लीट, सुबह शटरिंग लगा के फटाफट ये कंक्रीट करना चालू कर दिए। और इसके लिए क्या है, इसको ये साइड में ही है बिल्कुल ही, तो यहाँ पे एक्सकैवेटर अपने को इसके रास्ते पे जो अपन ने बनाया है टेम्प्रेरी रास्ता, इसी के ऊपर लगा के करनी पड़ती, थोड़ा ट्रैफिक वैफिक का थोड़ा इशू जरूर हो रहा है। ट्रैफिक वाले मान नहीं रहे यार, थोड़ा ट्रैफिक रोक रोक के करना चाहते पर बीच बीच में घुस रहे हैं, कुछ ऑप्शन नहीं है दोस्तों इसके पास, अपने पास कोई मिलर भी लगाना पड़ता है और यहाँ पे एक्सकैवेटर भी खड़ी करनी पड़ती, तो ये दिक्कत थोड़ा सा हो रहा है, समस्या लोगों को भी हो रही है, अगर हमको भी हो रही है, पर क्या करें, काम तो करना ही है। ये देखो लोगों की भीड़, ठीक है इसका जो एक्सकैवेटर घुमाते हैं ना तो प्रॉब्लम होती है यार। बल्लू भाजी यार आज देखो यहाँ पे गुस्से में है, ट्रैफिक रोकने में रुक है नहीं रहा उनसे। तो ये नमूने लोगों ने गाड़ी कहाँ फंसाई,
भाई देखो ये बड़े हैवी ड्राइवर है, इन्होंने क्या किया देखो, टायर भी पंचर कर लिया, गाड़ी भी फंसा दी, अभी ये देखो अब बांध रहा है इसका पट्टा, इसको बांध के खींचना पड़ेगा। वो देखो सामने बुलाई अपन ने एक्सावेटर, ये भी यार बाबू हैवी ड्राइवर की कमी नहीं इंडिया में भैया। आंधे सारे खट गरम करने पड़ रहे हैं भाई। ब्रेक पकड़ के रख ना, ब्रेक पकड़ के रख। देखो भाई टायर भी पंचर है, सब सारे खत्म गरम है, जाम अलग लग रहा है। देखो टायर तो लगता होगा खत्म, और ये इसकी दूसरी जो वॉल बनाने वाले रिटेनिंग वॉल, उसकी हम लोग यहाँ पे ब्रेकिंग कर रहे हैं दूसरी साइड की। यहाँ पर ये पानी का टैंकर क्यूरिंग करते जा रहे हैं इसकी, जो रात को हमने काम किया उसकी। भाई ये वही वॉल्वो का ट्रक है जो ये ब्रिज से गिरा था, और ब्रिज तो आप सामने देख रहे हैं अभी भी लटका हुआ ही है, और ये इसका जो ट्रांसफार्मर वो भी पड़ा है, और देखिए इसके आगे के टायर आधे आधे घुस गए कीचड़ निकालते। हम लोग कहना जैसे इसका पानी वानी निकालते, कीचड़ वीचड़ निकालते ना इसके अंदर से, तो वही है देखिए अब आधे टायर तो डूब गए इसके, अगर ये और कुछ दिन रहा तो आधी बॉडी डुबा देंगे इसकी। सुनते नहीं है कोई, आ ही नहीं रहा इसके माई बाप का ही था पता नहीं भैया। दोस्तों इस टाइम पर मैं खड़ा हूँ जो अपना मेन हाईवे का जो ब्रिज बनने वाला है, जो लगभग इसी जो ब्रिज का हाइट है इसी लेवल में बनने वाला है इसके पास, और यहाँ पे देखिए सारा एक्सकवेशन हो गया है, ये वाले का एक्सकवेशन हो गया बिल्कुल कंप्लीट। अब इसमें बस पानी निकाल के बस पीसीसी होने की देरी है, आज इसकी हम पीसीसी की कोशिश है, आज रात को हम इसकी पीसीसी करेंगे। और इसका एक पियर वो सामने आप देख रहे हैं जिसके अंदर गड्ढा बड्ढा पानी वानी निकाल रहा है उसका हम मोटर से, वो वहाँ पर पियर बनना है, और एक सामने एक अपार्टमेंट वो लास्ट में आपको देख रहा हूँ वहाँ पर बनने वाला है। तो ये है आपका मेन ब्रिज का एक्सकवेशन चालू है, और इसका 4 लेन है, तो दूसरा ब्रिज जहाँ पर अभी एक ट्रक वगैरह खड़े हैं यहाँ पे इसका दूसरा ब्रिज बनेगा, अभी उसके ऊपर से हमने टेम्प्रेरी रास्ता बना के ट्रैफिक मूव कर रखा है, इसलिए अभी वहाँ पे खुदाई नहीं कर रहे हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पियर है, इनकी थोड़ा एक मीटर से थोड़ा कम पड़ गए थे, तो ब्रेकर चलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा, तो आज थोड़ा हॉल वॉल करके रखे थे मैंने आपको बताया 2 दिन पहले, तो इसकी अपन करने वाले ब्लास्टिंग, तो इसमें ज़्यादा एक मीटर के हॉल लगे हुए, तो आप कंट्रोल ब्लास्टिंग करके इसमें ऊपर से मैट रख रहे हैं, अभी आप सामने देख रहे हो मैट रख रहे हैं इसके ऊपर, तो इसको उड़ा देंगे। अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 बजे, तो दिन में कर देते हैं इसका और उसका दोनों का एक साथ उड़ा देंगे, तो ये हो जाएगा अपना, ये वाले भी लेवल इसके अचीव हो जाएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे अपन पियर की ब्लास्टिंग ले रहे हैं, ये देखो हो गया धमाका, मैं काफ़ी दूर खड़ा था, आप काफ़ी दूर से देखिए भाई। भाई ये देखो अपन ने लिए अभी ब्लास्टिंग, और देखो मैटों का क्या हाल हो गया, पत्थर ज़्यादा उड़ा नहीं, थोड़ा सा ही उड़ा और यहीं गिर गया। मैटों का ये फ़ायदा होता है, अभी ये P1 P2 के लिए अपन ने, और इसकी अभी मैट निकाल के अभी बाजू वाले की भी लेनी है, तो अभी ये मैट उठा उठा के उसमें डालते हैं। भाई ये मैट भी बहुत हैवी रहते हैं, पूरा बोकलेन का वेट आगे से डिस्टर्ब कर देते हैं पूरा बैलेंस इसका। इस तरह से इनको एकदम एक के ऊपर एक बिछा देंगे, वो वाला आगे करवा ले, वो साइड का रह गया यार उधर कर, रहने दे पानी उसमें, वो क्लेन भी पूरा स्ट्रगल कर रही भैया। दोनों एक्सावेटर ठोक दिए अपन ने, इसको रबड़ कर लेंगे, अंधेरा होने वाला है, जल्दी से कर लेते हैं। बहुत ही वजन होता है भाई, बहुत ही वजन होता है इसमें, टनों में होगा इसका वेट, पूरा पोकलेन का बैलेंस कर देता है डिस्टर्ब। अरे पीछे,
फाइनली दोस्तों मैटर रख दी अपन ने और इसको ले लेते हैं साइड में और चलो इसको वाले की भी कर देते हैं क्योंकि अभी उजाला है, अभी कोई दिक्कत नहीं भाई। मशीनरी वगैरह सारी अपन ने ले ली एक बार फिर से ऊपर और अभी चलो उड़ा देते हैं उसको फटाफट क्योंकि अंधेरा होने वाला है, इससे पहले उड़ा देते अपन। भाई ये वाली अपन ने भाई ब्लास्टिंग ली थी वो भी देख लो, पत्थर पूरा आ गया ऊपर, सब इसकी कर देंगे थोड़ी देर से सफाई। और इसका जो A1 वाला पोर्शन है ना उसकी आज PCC होने वाली रात को, उसके लेवल अचीव हो गए। और इधर बाजू में चल रहा भैया कंक्रीट का काम, मैं वो भी दिखा देता हूँ और निकलते फिर यहाँ से घर। भैया आज हमारे पल्लू पाजी ने पूरी व्यवस्था कर रखी, देखो वर्क इन प्रोग्रेस के सारे सेफ्टी अरेंजमेंट आज पूरे फिर से लगाए। तोड़ देते हैं लोग, 2-3 दिन चलते फिर टूट जाते हैं। और ये यहाँ पे चल रहा भैया अपना कंक्रीट का काम, ये रिटेनिंग वॉल आप देख रहे हैं एक साइड की तो हमने भर दी थी और दूसरी साइड भरना हम चालू कर रहे हैं इसको। ये इसमें पाइप नहीं डलेंगे दोस्तों, पाइप तो जहाँ तक डल गई है वहीं तक रहेंगे। अब इसमें रिटेनिंग वॉल बनेगी बाद में पानी की ठोकर को रोकने के लिए, बस और कुछ नहीं, दोनों साइड बनेगी ये। और सामने मिलर विलर भी आ गए, अब कंक्रीट भी कर देंगे अपन चालू। भाई यहाँ पे मिलर से कंक्रीट ले लेके चालू कर दी अपन ने वॉल की कंक्रीट, ये भी वॉल भी हो जाएगी अपनी रेडी, तो अपना काम धीरे धीरे आसान होता जा रहा है। और ये जो पाइप लेइंग किए हैं जो रात को, उसकी भी हमने वॉल तो भर दी, अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। और बाजू के थोड़े से सिंगल अपने तीन पाइप तो डाल दिए, चौथा पाइप पूरे में डाल के और इसकी वॉल की सेटरिंग वेटरिंग लगाने काम चालू करेंगे। अगर बन गई बात तो रात को कर देंगे, नहीं तो सुबह इसकी भी कंक्रीट कर देंगे। चलिए दोस्तों अभी का वीडियो करते हैं आज का यहीं पे एंड। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।